वो लोग मार्च में आए थे, तो मार्च में आए थे तो वो लोग 7-8 दिन बैठ के चला गए थे। तो उन सात वो लोग 7-8 दिन तक वो लोग ज्यादा से ज्यादा तो रूम में सोते थे दिन भर, तो सुबह शाम को वो लोग बाहर निकलते थे तो फिर जल्दी आ जाते थे, क्योंकि हमारा होटल शाम को 9:30-10 बजे सब क्लोज हो जाती है, तो वो लोग 8-8:30 बजे पहुंच जाते थे। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से फ्रूट्स, केले, बनानास, जो भी है एप्पल्स फ्रूट्स खाते थे ज़्यादा से ज़्यादा। और वो लोग अगर रूम में खाना खाए तो वो लोग वेज थाली खाते थे, तो ज़्यादा बाहर भी नहीं जाते थे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा रूम में रहते थे। उन लोगों ने रूम से कुछ ऑर्डर किया वो 7-8 दिन में? वो लोग का ऑर्डर कुछ नहीं होते थे, वो लोग का बस वेज थाली है। अभी वो लोग का चिकन विकन भी कुछ नहीं खाते थे, वो लोग बस वेज थाली खाते थे, तो ऑलवेज उनका ऑर्डर वही। वो लोग किसी होटल पे पहुंचे, आपको प्री बुकिंग किया था या नहीं? वो लोग पहले सचिन आया था, तो सचिन पहले दिन आया तो सचिन ने होटल बुक किया, तो उसने बोला कल हमारी बीवी भी आने वाली है, तो फिर उन्होंने वो जो सीमा है वो दूसरे दिन आई, दूसरे दिन आने के बाद वो लोग 6-7 दिन बैठा, जब जाने के बाद भी पहला सीमा चली गई थी, तो दूसरे दिन फिर वो सचिन गया था। सीमा कैसे आई थी, टैक्सी से और जाने? नहीं, वो सचिन लेने के लिए गया था, शायद कहीं बस स्टैंड में आई थी होंगी, तो उन्होंने बस स्टैंड एयरपोर्ट में शायद, तो वहाँ से उन्होंने पिकअप किया था। और वो लोग यहाँ कैसे आए थे, सचिन ने पिकअप करके सीमा को टैक्सी में लाए थे या? हाँ, उन्होंने टैक्सी में नहीं, वो शायद टैक्सी में आए होंगे, शायद मैं होटल में भी नहीं था वो आने के टाइम में, तो वो आ चुकी थी तो मैं वहाँ देखे थे, लेकिन जो सचिन के दूसरे दिन में आई थी, सचिन पहले दिन आया होटल बुक किया तो दूसरे दिन आई थी। नहीं, वो दोनों ही है बस, वो दोनों ही है, और जो उनका जो बच्चा आने के टाइम में नेक्स्ट टाइम में वो लोग आए भी नहीं हमारे होटल में, तो वो लोग एयरपोर्ट से शायद पोखरा चला गया, तो जो मैंने न्यूज में सुना था उसी हिसाब से वो पोखरा चला गया, तो पोखरा से इंडिया चला गया होंगे। नहीं, वो लोग ने शादी किया बताया नहीं, वो लोग ने बस इतना ही बताया था वो मेरी बीवी है, तो हमको भी लगा वो लोग अभी ज़्यादा इंडियन टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं, तो हम लोग उनको ज़्यादा तन भी नहीं करते, वो आते बैठते, उनको बार बार पूछना भी अच्छा नहीं है, तो रूम में आते बैठते और जाने टाइम में चेकआउट करते जाते, तो हम लोग ने उनका नाम जो नेपाली कस्टमर है, तो हम लोग इंट्री करते वक्त नंबर, उनका नाम कहाँ से आया वो रखते, तो इंडिया से आया तो डायरेक्ट हम लोग इंडिया और उनका नाम लिखते तो रख देते, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर पशुपतिनाथ दर्शन करने के लिए आते तो केयर भी नहीं करते, तो हमको जब न्यूज़ में दिखा तो मालूम पड़ा हाँ वो लोग सीमा सचिन था, वो लोग जब इंट्री किया था दूसरे नाम से किया था, वो लोग का शिवांश नाम से, डेट को हम अब अरु त इंडिया डिपोजिट आईसी 500 गरा थे अनि नै सब यसमै छ। उन लोगों ने इस होटल पे पेमेंट कैश किया था या कार्ड? कैश किया था, इंडियन करेंसी। उस टाइम में इंडिया में जो 2000 का बैन नहीं हुआ था तो हम लोग एक्सेप्ट करते थे, जब 2000 रुपीज उधर बैन हुआ तो हम लोग ने भी अभी एक्सेप्ट नहीं करते इंडियन करेंसी।
कौन रूम नंबर में ठहरे थे? 204 में, 204 रूम में ठहरे थे, उसी में 7-8 दिन उसी में थे। और रूम का क्लीनिंग वो? हाँ, वो तो बीच बीच में होते रहता है। जैसे उनका साथ बैग लगेज कुछ हो? बैग था, छोटा सा बैग था, बस ऐसा कुछ नहीं था। तो बाहर जाते वक्त उन लोगों ने आपसे टैक्सी बुक किया कि पैदल ही चले? नहीं, वो लोग बस ऐसे चल के जाते थे। जब ऐसा बाहर थोड़ा घूम के आएंगे भैया बोलते तो चले जाते, फिर शाम को टाइम में आ जाते। तो लास्ट दिन में उन्होंने पूछा था यहाँ पर जो रोधी घर है, क्लब क्लब में रोधी घर में जाना, तो मैंने उनको बोला कि यहाँ पर आप लोगों को लूट लेंगे, बहुत महंगा है, आप लोग मत जाओ। बोला तो बाद में वो लोग गया भी नहीं, तो रूम मिस हो गया। 7 दिन यहाँ ठहरते हुए उन लोगों के बिहेवियर कैसा था? बिहेवियर एकदम ठीक था, वो लोग ऐसा ज्यादा बोलने वाला भी नहीं था, एकदम सिंपल सिंपल, जो बस आया एकदम सीधा।